Got the session and started. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसमें हम ये देख रहे थे कि जो मैंने बताया था कि थोड़ी सी आपने, क्योंकि हैंड्स ऑन नहीं है, आपने किया नहीं है, तो प्रॉब्ली थ्योरी है और समझना मुश्किल होगी. तो यू नीड टू थिंक अबाउट that you are a project manager. आप 10 लोगों को 15 लोगों को handle कर रहे हैं और एक बड़े project को estimate कर रहे हैं. तो these are the skills, responsibility and challenges you will need. पहला वाला तो मैंने पढ़ लिया था, PM की responsibility क्या है. ये हमने पढ़ लिया था कि आपको project को manage करना है. जाहिर सी बात है, अगर आप project manager हैं तो you will manage the project. लेकिन parallelly you need to understand the objectives and SOPs, processes of the organization. उससे बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, वो उसके अंदर रहते हुए project को manage करना होगा आपको, ठीक है ना. तो जो project की organization की जो भी SOPs हैं या जो policies हैं, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है ना. इसी तरह से जब आप project कर रहे होंगे, तो मैंने बताया था it's human intensive, तो जो लोग हैं आपके उनको manage करना होगा. But lastly, but most importantly, that you need to manage your objective, your personality, your career and everything. अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है. अब हम देखते हैं project management के challenges क्या होते हैं. तो we'll see ये challenges हैं कि आपको responsibility तो देती जाती है, लेकिन authority आपके पास vague होती है, ठीक है. तो हम ज़रा देखेंगे इसमें क्या है, आपको किस तरह से काम करना चाहिए. दूसरा एक इम्पोजिशन ऑफ अनरियलिस्टिक टारगेट. बस तो अनरियलिस्टिक कब होंगे? जब उनको एस्टिमेट नहीं किया जाएगा सही से. आपको अगर स्कोप पता हो और आपको टीम का पता हो तो आप एस्टिमेट करेंगे. तो अगर एस्टिमेट सही से किया हुआ है तो फिर वो रियलिस्टिक टाइम होगा. लेकिन अगर एस्टिमेट नहीं किया हुआ, बस इतने दिन में करना है, इतने महीनों में करना है, तो दैट इज़ एन इम्पोजिशन ऑफ अनरियलिस्टिक टारगेट, और वो हमेशा हो नहीं पाएंगे. तो फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्टेनिटी. अब कुछ जगहों पर ऐसी होती है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है और आपको पता नहीं होता, यू आर नॉट वेरी सर्टेन, यू आर नॉट एक्सपीरियंस. तो सिमिलर चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए या फिर आप उसमें से बफर रख देते हैं कि भाई मेरे ख्याल से 12 महीने में होगा या 16 महीने में होगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर. हो सकता है अगर बेस्ट केस्ट हो तो इतने में हो जाएगा, अगर फर्स्ट केस्ट हो तो इतने में हो जाएगा, ठीक है ना. तो हम इनको देखते हैं, फिर हम देखेंगे आखिरी चीज़ आज. ये वो चीज़ें जिसको हम नॉलेज एरिया कहते हैं, स्किल सेट ऑफ दी प्राइम प्रोजेक्ट मैनेजर. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस के स्किल, तो प्रोसेस जो है वो सारे नॉलेज एरिया के अंडर आते हैं. उसके अलावा फिर आपको अपनी टीम को हैंडल करना आना चाहिए, इंटरपर्सनल एंड बिहेवियर स्किल. फिर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, यानी जस्ट आप प्रोजेक्ट मैनेजर तो हैं लेकिन उस डोमेन की नॉलेज, उस वर्टिकल की नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे. आखिरी चीज़ है डिज़ायर्ड ट्रेट, यानी लोग आपको कब बॉस मानेंगे, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है ना. तो ये हमने कर लिया था, इसको मैं क्विकली, क्योंकि हम कर चुके हैं तो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग एनी टाइम. कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. डूइंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, ये एक्सप्लेन किया गया था. एफिशिएंसी का मतलब बताया गया था, आर्बिट्रेटर का मतलब बताया गया था, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है ना. योर टीम आपको मैनेज करनी होती है, ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको जरा क्विकली चल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं, ठीक है. नंबर टू से, नंबर टू की आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपको जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन बट यू आर नॉट हैविंग द अथॉरिटी, ठीक है ना. तो अब क्या चैलेंज होता है इसमें? चैलेंज ये हो सकता है कि मसलन आपने कहा कि भाई ये वाले काम करने आपको, और इसमें से फलाने फलाने डिपार्टमेंट से लोग लेके इनसे आपने रिक्वायरमेंट लेनी है और इनको इंगेज करना है और ये सारा करना है. तो जाहिर सी बात है, इफ यू आर नॉट ए मैनेजर या हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है उस आदमी को इंगेज करने की, यानी उसको बुलाने की, उसको बिठाने की, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोजेक्ट करना है सेल्स का. सेल्स के लोग तो दौड़ते भागते रहते हैं, ऑफिस में बैठते ही नहीं है, तो मुझे उनसे रिक्वायरमेंट लेनी है, तो आई हैव नो अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उनसे रिक्वायरमेंट लेनी है, तो अनलेस आई गो टू देयर हेड
एंड आस्क हिम कि भाई ये लोग मुझे इतने घंटों के लिए साथ मेरे बैठे हैं और मुझे रिक्वायरमेंट दें और ये करें, ठीक है ना, ओनली देन यू कैन। तो बात सही है कि कुछ चीज़ों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाती है बट यू डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर होता क्या है कि अथॉरिटी नहीं होती, तो फिर होता क्या है कि आप वो काम कर नहीं पाते हैं। और फिर आपसे कोई पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो आप कहते हैं भाई मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज़ है कि व्हेन यू बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर तो आपको एरिया पता होना चाहिए एंड देन यू शुड हैव द अथॉरिटी कि भाई ये मुझे एक्सेस करने की, लोगों को असाइन करने की और ये सारी अथॉरिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हाउ वुड आई बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि वंस यू हैव द डिफाइन द एरिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्स का सॉफ्टवेयर बनाना है, सेल्स का सॉफ्टवेयर में मेरी टीम तो मेरे अंडर है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम मेरे अंडर है, टेस्टिंग की टीम मेरे अंडर है, लेकिन सेल्स की टीम मेरे अंडर नहीं है जिसका मुझे 30% टाइम चाहिए इस तारीख से इस तारीख तक, ठीक है। तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं है तो फिर आप अपने साथ किसी साहब को रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अभी मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि हम इस पर पूरा लेक्चर नहीं करेंगे, बस लिख लीजिए आप या समझ लीजिए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो फंक्शनल के हिसाब से डिवाइड होती है। मसलन सेल्स का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, ये फंक्शन है, तो इनका फंक्शन का कोई हेड होगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, एचआर का डिपार्टमेंट होगा, हायरिंग करने का सारा प्रोसेस होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, परचेज का डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, ये सारे डिपार्टमेंट होंगे। इसमें कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ करना है तो इन्हीं डिपार्टमेंट से लोगों को हायर करना होगा, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि आप एक पीएमओ ऑफिस बना देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बना देते हैं, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, और वो ऑथराइज्ड होते हैं कि किसी भी फंक्शन से वो बंदे इंगेज कर सकें, यानी टेम्परेरी उनको दे दिया जाता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो वहाँ बहुत ही क्लियर होता है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है और अथॉरिटी दी गई है। तो फंक्शनल में हमेशा चैलेंज होगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बनाया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 2 लोग 3 लोग होंगे और उनके अंडर पूरी टीम होगी, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसा चैलेंज नहीं होगा, आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज होगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ अनरियलिस्टिक टारगेट, फॉर एग्जाम्पल आपने FIP का जो FIP सेलेक्ट किया उसका एक स्कोप सेलेक्ट किया है जो 1 महीने में एक काम करेंगे, एक सेमेस्टर में ये वाले काम करेंगे, दूसरे सेमेस्टर में, तो आपको ना अप्रोक्सीमेट पता है कि जनाब ये काम करेंगे। अब या तो स्कोप बढ़ जाए या फिर आपने काम नहीं किया हो दोस्तों, तो वो आपके जो स्कोप है, फॉर एग्जाम्पल कोई FIP लेके आ गया कि जनाब मैं सप्लाई चेन बनाऊंगा, मेरे पास एक बच्चा आया अभी था, सप्लाई चेन बनाऊंगा। अब वो सप्लाई चेन 2 सेमेस्टर में 3 बच्चों के साथ तो नहीं बनने वाला, ठीक है। तो दैट इज एन अनरियलिस्टिक टारगेट फॉर दी FIP, ठीक है, क्योंकि अगर 100-150 लोग हैं और तकरीबन 1.5 साल है तो ठीक है, लेकिन 9 महीने में 3 बच्चे तो नहीं बनाने वाले, जिनको बिजनेस की नॉलेज भी नहीं पता, जिनको स्पेशलाइज स्किल भी नहीं पता, ठीक है। तो बात यह है कि देर हैज टू बी अ प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है एस्टिमेट करने का, टारगेट बनाने का कि ये वाला काम है तो ये वाला काम है क्या, उसको समझना और उसको एस्टिमेट करना, ये हम देखेंगे आगे जब हम टाइम एस्टिमेट करेंगे। तो कस्टमर की नीड को समझना, नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना और फिर उस हिसाब से एस्टिमेट करना, प्लान करना। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो अपने अनरियलिस्टिक अप्रोच होगी, यानी आपने बस सोच लिया है कि इतने दिनों में या इतने महीनों में या इतने सालों में ये काम करना है, ठीक है। तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं होगा क्योंकि आपने अनरियलिस्टिक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि
कुछ रियलिस्टिक अजम्पशन होते हैं लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, सारी चीजें, और रिसोर्स कौन सी अवेलेबल है, रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको कंफर्म होना चाहिए, उनका स्किल सेट आपको पता होना चाहिए, फिर जो 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 चीज़ें अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने रिलायबल हैं, और जो प्रोसेस हैं वो कैसे हैं, स्टैंडर्ड हैं, नॉन स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके प्रोसेस बहुत मैच्योर हैं और डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर मैच्योर हैं और डॉक्यूमेंटेड हैं तो उसको लेना, रिक्वायरमेंट को समझना आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडहॉकिज्म है, यानी जो बॉस कहते हैं वो हो जाता है, कोई मैच्योर प्रोसेस नहीं है। अब मैच्योर प्रोसेस नहीं है तो प्रोसेस को बनाना, डॉक्यूमेंट करना, ये एक लंबा काम है, और फिर उसको ऑटोमेट करना, ठीक है ना। तो वर्क प्रोसेस जितने अच्छे होंगे, जितने मैच्योर होंगे, फिर उसके बाद आखिरी चीज़ ये क्रेडिबल एस्टिमेशन, ठीक है ना। क्रेडिबल एस्टिमेशन का मतलब ये है कि अब इस काम को आपने समझ लिया, अब आप ये एस्टिमेशन करेंगे कि कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, ठीक है। तो दैट हैज़ टू बी रियलिस्टिक। अब जैसे तो उसमें एक्सपीरियंस लोग काउंट करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी आपने टूल्स और एक्सपर्ट नॉलेज और स्कोप को नहीं समझा, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है ना। उसमें आप पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि विशफुल थिंकिंग होती है। बस दफ़ा जब होता क्या है कि हम प्रोजेक्ट में जाते हैं और आप एस्टीमेट लगाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये है ना 14 महीने में होगा, और कस्टमर कहता है नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो ये आप 6 महीने में करके दें। तो कहता है अच्छा ठीक है कर देंगे हम, जो लोग ज़्यादा लगा देंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर में ऐसा होता नहीं है, लोग ज़्यादा लगा के भी आप हाफ टाइम नहीं कर सकते। अब 14 महीने वाले प्रोजेक्ट को आप कहते हैं 7 महीने में कर देंगे, कस्टमर को आप कह आते हैं, फिर अपनी टीम को आके कहते हैं भाई वो जो प्रोजेक्ट तुमने दिया था 14 महीने का, वो बस अब 7 महीने में करके दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि वरना मैं प्रोजेक्ट किसी और को दे दूंगा। तो दैट इज़ एन अनरियलिस्टिक अप्रोच प्रोजेक्ट लेने के लिए। फिर आप क्या करते हैं कि आप गलत टारगेट ले लेते हैं, फिर आप उसको एक्सटेंड करते हैं, लोगों को प्रेशर देते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये समझना चाहिए कि भाई दिस इज़ द रियलिस्टिक टाइम, और इसके बगैर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं ना वो कहते हैं कोई काम, अच्छा काम जल्दी नहीं हो सकता और अच्छा काम सस्ता नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम क्योंकि एक्सपीरियंस हो गए हैं, 20-20 साल का प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, तो जब कस्टमर कहता है जल्दी नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं नहीं जल्दी नहीं हो सकता, सस्ता नहीं हो सकता, हम कहते हैं सस्ता भी नहीं हो सकता। कोई चीज़ दुनिया में आपको सस्ती और अच्छी मिलेगी, और आपको अगर क्वालिटी प्रोजेक्ट करना है तो वो जल्दी नहीं हो सकेगा, और क्वालिटी प्रोजेक्ट करना है तो वो सस्ता नहीं हो सकेगा। तो ये बेसिक के साथ फिर हम उनको कन्विंस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक एक्सपीरियंस होगा प्रोजेक्ट मैनेजर तो कहेगा यार मैं तो ले आया प्रोजेक्ट। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स में पता होता है क्योंकि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और डोमेन्स की नॉलेज, लेकिन कुछ जगहों पर पता नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होती है, या तो टीम की अनसर्टेनिटी होती है, या स्कोप की अनसर्टेनिटी होती है, या ऑर्गेनाइजेशन की अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूँ कि क्या चीज़ है, मेरा क्या मतलब है। तो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और ये सब करना, वरना होता क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और जो टॉप मैनेजमेंट है उसका एक थिंकिंग पे होना ज़रूरी है, ठीक है ना, वरना फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आते रहेंगे। हम तो ये समझ रहे थे, हम तो आपको ऐसा समझ रहे। प्रोजेक्ट मैनेजर तो नॉर्मली क्लियर होगा, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट होगी उसको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नहीं पता, या चीज़ों का नहीं पता, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं पता, तो उनके गलत अजम्पशन हो जाएंगे, इसकी बेसिस पे वो समझ रहे होंगे ऐसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट मैनेजर को बैठ के एक्सप्लेन करना, उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना, ग्रे एरियाज को, बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। उनको ऐसे नहीं ले सकते। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ रहा है? व्हाट इफ द प्रोजेक्ट इज नेसेसरी फॉर द इनफ्लो रेवेन्यू? हाँ, ये एक बिजनेस का क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं है। देखिए दो चीजें हैं, जब आप सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं या कोई भी दुकान चला रहे हैं, तो देयर आर टू थिंग्स। एक है बिजनेस, पैसा आएगा तो कंपनी चलेगी, और दूसरा डिलीवरी, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम बिजनेस चलाना नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम
काम समझना है और डिलीवरी देनी है, ठीक है। तो जिनका काम बिजनेस लेना है वो बिजनेस संभालें, जो आपका सवाल है ना ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं है, ये बिजनेस लाना है, रेवेन्यू तो चाहिए ना सर, पैसे तो चाहिए। वो भाई तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट है ना, सीईओ और सीईओ किस लिए है, बुलाएंगे पैसे। तो मेरा काम एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर चीजों को समझना और डिलीवर करना है, ठीक है। तो बिजनेस एक्विजिशन एक अलग चीज है और डिलीवरी एक अलग चीज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Have I answered the question? चले मैं इसमें बात करूंगा फ्रॉम स्टार्ट परस्पेक्टिव, दैट्स एन एरिया हम बात करेंगे। आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना तो उसमें ये बातें करेंगे ताकि आपके सवाल के जवाब में दे सकूं, ठीक है। तो बात यह है कि अगर मैं स्टार्टअप कर रहा हूं तो मुझे, क्योंकि मैं ऑपरेशन हेड रहा हूं एक सॉफ्टवेयर हाउस का ना, जो मिजान बैंक और सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो मुझे मालूम है कि जो आप लोग सोचते हैं ना वो आपकी सोच थोड़ी सी, उस पर अलग से बात करेंगे कि स्टार्टअप करना है तो क्या करना है। बहरहाल आसानी के लिए वो ये है कि जनाब जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में दो चीजें हैं, यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आप डिलीवरी के लोग हैं, आप बिजनेस के लोग नहीं हैं। बिजनेस के लोग नहीं हैं, आप उस तरह से नहीं सोच सकते कि बिजनेस कैसे आता है और पैसे इनफ्लो कैसे आएगा। जब आप उसको करने की कोशिश करते हैं और आप फेल होते हैं बिग टाइम, इसलिए आपकी सोच अलग है। वो मैनेजमेंट साइंस का मसला है, बिजनेस कैसे आएगा। बिजनेस एक्विजिशन अलग चीज है, डिलीवरी अलग चीज है। आप लोग डिलीवरी के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सब यस सर, ओके। सपोज एक एग्जांपल दिए, ये रियल एग्जांपल है। एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास जो एप्लीकेशन बनी हुई है वो ओरेकल पे बनी हुई है, ओरेकल के टूल्स, ओरेकल के फॉर्म्स और ओरेकल का डेटाबेस, ठीक है। और क्योंकि ओरेकल इस टेक्नोलॉजी को आगे कैरी नहीं कर रही है, तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर बैंक का है वो 2-4 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा, या सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, लोग नहीं मिल पाएंगे। ये ऐसी जैसे कोई बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनी हुई है आपके पास कोबोल के अंदर, तो कोबोल के लोग आज नहीं मिलते हैं, तो आप कहते हैं यार इसको रीराइट करो वरना तो हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये वही चीज़ है। तो उन्होंने कहा जी रीराइट करो इसको जावा के अंदर, पूरी एप्लीकेशन जो लिखी हुई है उसका नॉलेज भी है, स्ट्रक्चर भी पता है, लेकिन इसको डेटाबेस भी चेंज करनी है और एप्लीकेशन को लेयर जो है ना वो फ्रंट लेयर जो है वो जावा से रिप्लेस करनी है। अब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे पूछा जा रहा है कि कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम लगेगा। तो अब इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, ठीक है ना। जो आपके पास जावा टीम है वो कौन सी है, ओरेकल वालों को जावा सिखाएंगे या जावा की कोई नई टीम हायर करेंगे जिनको ज़बरदस्त जावा आती होगी। अगर ओरेकल वालों को जावा सिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ सर्टेन है क्या चीज़ नहीं सर्टेन है, इसकी उसमें एक एक्सपर्ट कॉमेंट देना बहुत मुश्किल काम है। बात समझ में आ रही है? अब आपसे पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्या करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को अपने जहन में रखना होता है और क्लेरिफाई करना होता है, यानी आपको बताना होगा जो आपसे सवाल पूछ रहा है। कहाँ से मिला मुझे, तुम जमा कर नहीं, अपना माइक बंद कर लीजिए भाई। चलिए मैंने कर दिया, ठीक है। देखिए अगर अगर कोई चीज विजिबल है और टेंजिबल है तो उसमें तो कोई मसला नहीं है ना, कि मुझे 2 कमरे का मकान बनाना है इसका टाइम और एस्टीमेशन बताओ, और 20 कमरे का महल बनाना है तो इसका टाइम एंड एस्टीमेशन बताओ। ये सारी चीजें फिजिकल है और आपको मालूम है कि अप्रोक्सीमेटली क्या चीज होगी, लेकिन कुछ चीज़ों में, क्योंकि जब कंप्यूटर में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, अब कितना लार्ज कितना कॉम्प्लेक्स अब ये नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे एरियाज हैं। फिर उसके अलावा जो डेवलप करेगी टीम उसका स्किल सेट एक्सपीरियंस, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव नहीं है तो वो लिमिटेशन हो सकती है, रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अब बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल टीम की कंस्ट्रेंट या एक्सपीरियंस से बात कर लेते हैं। मेरे पास यही काम है, मतलब एक ओरेकल की एप्लीकेशन जावा में लिखनी है और बहुत ही
जबरदस्त एक्सपीरियंस जावा की टीम है तो मेरे पैरामीटर कुछ और होंगे, टाइम और कॉस्ट कुछ और होगी, लेकिन उनके पास अगर 20 ओरेकल के प्रोग्रामर थे और उन्होंने अभी 3 महीने पहले जावा सीखी है तो ये वाला पैरामीटर कॉस्ट एंड टाइम कुछ और होगा, टाइम ज्यादा लगेगा उनके, उन्होंने अभी प्रोग्रामिंग की नहीं है, बस एक कोर्स करा दिया आपने। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो लग के काम करती है, मिलके बैठ के सारी चीजें, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट का बैंक है, फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो अगर मैंने सिटी बैंक के साथ काम करना है तो वो टाइमलाइंस और एफर्ट्स कुछ और होगी, लेकिन अगर वही काम मैंने नेशनल बैंक के साथ करना है तो एफर्ट और टाइमलाइन कुछ और होगी। तो वो 6 घंटे नहीं काम करते हैं, वो तो 2-3 घंटे काम करते हैं, आते देर से हैं, फिर वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, फिर वो ये करते हैं, तो समझ में आ रही है। तो देर आर लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टीम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या करते हैं, आप एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं और फिर आप कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से 10 मिलियन से 15 मिलियन होगा और 24 अगर बहुत अच्छी टीम हुई, सारी चीजें सही हुई, तो प्रॉब्ली 2 साल, लेकिन अगर नहीं है तो फिर 2.5 साल, ठीक है ना। तो व्हाई, बिकॉज आई रियली डोंट नो अबाउट योर टीम, आई रियली डोंट नो अबाउट योर फलानी चीज, आई रियली डोंट नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीजें वेरी करेंगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट भी वेरी करेगी, टाइम भी वेरी करेगा। तो अगर बेस्ट सिनेरियो हुआ तो जनाब यानी हर चीज अच्छी हुई, सारा कुछ हुआ, तो आप समझ रहे हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो हर चीज क्लियरली डिफाइन होना जरा मुश्किल होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, सर्टेनिटी प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर ये बहुत सारी चीजें होंगी, टीम के स्किल सेट का अंदाजा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस किस तरह से होती है, पहली दफा मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका अंदाजा नहीं है। अब मैं क्योंकि काम कर चुका हूँ बैंक्स के साथ, नेशनल बैंक के साथ भी और सिटी बैंक के साथ, तो मुझे मालूम है कि सिटी बैंक के साथ जो काम हो रहा है वो काम और नेशनल बैंक के साथ दुगने टाइम में लगेगा, ठीक है ना। तो उसकी एस्टिमेट कॉस्ट दुगनी लग जाएगी, हालांकि काम वही है लेकिन वो लोग बैठेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, नॉन कोऑपरेटिव है, कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है ना, एहसान कर रहे होंगे तो वही काम उनके साथ दुगना टाइम लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है यहाँ तक। जब आप एस्टिमेट कर रहे होंगे तो एक तो मैंने बताया था कि लोगों की कैपेबिलिटी नहीं पता चलेगी, लेकिन और भी चीजें हैं जो आपको पता चलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, अब ये वो हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल सेट हैं, अब ये पीएमआई इनको प्रोसेस कहती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस, ठीक है। तकरीबन 10 नॉलेज एरिया है और हर एक में 4 या 5 है, तो तकरीबन 26-30 के करीब प्रोसेसेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो आई एम नॉट टीचिंग दैट प्रोसेसेस, मैं पीएमआई नहीं पढ़ा रहा हूं हमको, लेकिन बहरहाल वो प्रोसेस आपको आने चाहिए। फिर इंटरपर्सनल एंड बिहेवियर स्किल, मैंने बताया था कि लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं तो लोग आपकी नॉलेज से इम्प्रेस हों, लोग आपके बिहेवियर से इम्प्रेस हों, वरना वो आपके साथ जान नहीं मारेंगे, मतलब काम तो कर रहे होंगे लेकिन जान नहीं मारे होंगे, जब जान नहीं मारे होंगे तो हाई परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, परफॉर्मेंस विल बी वेरी लो, ठीक है ना। इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर एक फैक्ट्री है चिप्स की या बिस्किट की, तो लोगों पर बहुत कम डिपेंडेंसी है ना, आपके बिहेवियर पे, आपकी चीज़ों पे बिहेवियर नहीं है, वो तो फैक्ट्री इतनी अच्छी होगी, उतना आप रॉ मटेरियल डालेंगे वो बिस्किट बन जाएगा, चिप्स बन जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में लोग हैं लोग, तो जितना आपका अच्छा बिहेवियर होगा, जितने आप फ्रेंडली होंगे, उतना आप अच्छा काम करवा पाएंगे, इंटरपर्सनल और आपका बिहेवियर। तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस डोमेन की नॉलेज, उस वर्टिकल की नॉलेज, ठीक है, जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आप एस्टिमेट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्कोप के बारे में, ठीक है ना। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है तो अगर आपकी बैंकिंग की नॉलेज बहुत अच्छी है, फार्मास्यूटिकल का बनाना है तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपकी एस्टिमेशन उस टेक्नोलॉजी या उस डोमेन के बारे में। आखिरी चीज़ है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, लोग क्यों आपको बॉस माने, तो आपका पर्सनल करेक्टर होगा और इंटेग्रिटी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन बहरहाल लोग तो लोग हैं ना, लोग आपकी कब बात मानेंगे, जब आप प्यार से मोहब्बत से बात करते होंगे, ठीक है। तो 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद ये आपको लॉग आउट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको ज़रा क्विकली देख लेते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसमें, ठीक है। तो
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, ये कुछ एग्जांपल लिखी हुई है कि रिक्वायरमेंट कैसे बनेगी, जिसे आप कहते हैं ना SRS, तो कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या टेम्पलेट होता है, तो ये वाली चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम, भी नेटवर्क डायग्राम मैंने जानबूझ के लिखा। एक्चुअली जब आप काम करते हैं ना, तो आप कौन सा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा, तो यू डिवेलप अ नेटवर्क ऑफ टास्क, ठीक है, कौन से पैरल हैं, तो इससे एक्चुअली टाइम एस्टीमेट होता है, कौन से काम पैरल हो सकते हैं, कौन से काम पैरल नहीं हो सकते, हम पढ़ेंगे जब टाइम एस्टीमेशन करेंगे, तो नेटवर्क डायग्राम, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसको समझ लीजिए कि हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। लेकिन ये नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, एस्टीमेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है कि क्या काम करना है, ठीक है ना, क्या काम करना है, उसका नेटवर्क बनाएंगे, तो क्या काम करने के लिए हमें स्कोप और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चाहिए होता है, यानी लिस्ट ऑफ टास्क, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल हैं। तो यानी अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर का स्कोप पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या काम है। अगर याद हो आपको मैंने बताया था कि आप जो प्लान बनाते हैं उसमें लिस्ट ऑफ टास्क होती है, तो ये लिस्ट ऑफ टास्क क्या क्या करना है, क्या क्या करने का मतलब है, रिक्वायरमेंट लेनी है तो रिक्वायरमेंट में कितनी मीटिंग करनी है, किस किस से मीटिंग करनी है, और डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, वेरीफाई किससे कराना है, फिर उसको डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन टीम को कैसे देना है, ये सारे काम है, फिर उसको डेवलपमेंट कैसे करना है, कौन लोग करेंगे, टेस्टिंग टीम कैसे होगी, ये सारी चीज़ें, कौन सा लिस्ट ऑफ टास्क, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ टास्क होगा, उसके बाद फिर आप कौन करेगा ये और कब करेगा, ड्यूरेशन कर लेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विदाउट दीज स्किल्स यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट। अगर ये नहीं पता है तो फिर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो ऊपर होता है, लेकिन उसके नीचे बीए होते हैं, उसके नीचे आर्किटेक्ट होते हैं, और डेवलपमेंट टीम का टीम लीड होगा या जो भी होगा, ठीक है, इसी तरह से क्यूए की टीम का टीम लीड होगा। अब ये सारे लोग बताएंगे आपको कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप टाइम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ये एक हफ्ते में करना है, वो कहेगा सर ये नहीं हो सकता एक हफ्ते में, ये तीन हफ्ते का काम है। तो अगर आपको वो WBS नहीं है, रिक्वायरमेंट आपने नहीं समझी है, तो आप कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन वो अनरियलिस्टिक टाइम है, बिकॉज आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड। अब सिंस यू डोंट अंडरस्टैंड, तो आप लोगों को प्रेशर देंगे, लोगों को तंग करेंगे, आर्म ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए आप हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट प्लान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ों की पता नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप फिर कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम है तीन दिन का और आप कह रहे हैं एक दिन में करो, तो कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी स्किल सेट आपके पास ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल एंड बिहेवियर स्किल, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसको जरा दूसरी तरफ से देखते हैं। सपोज आप डेवलपमेंट टीम है और मैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? क्या आप मेहनत से काम करें, अच्छी तरह से काम करें, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? ये वो सारी चीजें आप कहेंगे, अच्छी तरह से बात करें, समझाएं, सारे जो एक जिससे एक ह्यूमन बीइंग जो अट्रैक्ट होता है ना, आपका बिहेवियर मोहब्बत वाला हो, शफकत वाला हो, समझाने वाला हो, और डांटने वाला ना हो, समझाएं, समझा दें तो मैं कर लूँगा, क्यों कर लें तो ऐसे कर लूँगा, इंसल्टिंग ना हो, ये चीज़ें बहुत 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 मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे तो आपसे भी लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, आपका बिहेवियर सही हो, आप टाइम सही दे रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर आदमी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर आदमी की ईगो एंड इमोशन अलग अलग होता है, तो ये आपको योर पर्सनल कंडक्ट, योर अप्रोच, योर स्टाइल, ये सारी चीज़ें लोगों को याद रहती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर जो अपनी टीम का ख्याल रखेगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करवा पाएगा, ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अब ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल में, टीम, इंडिविजुअल लीडरशिप, आप कैसे उनसे काम लेते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ओरल राइटिंग में,
ठीक है ना, हर चीज क्लियर होती है, या आप हर एक को डांटते रहते हैं ईमेल पे, मैसेजेस पे, या फिर आप क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करते हैं? मालूम है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या चीज होती है? इस पे भी पूरा एक दिन का लेक्चर हो सकता है। जब आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो टीम में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है सर मैं तो ऐसे करूंगा, वो तो ऐसे सोच रहा है, तो ये डिसएग्रीमेंट्स को अगर आप सही तरह से हैंडलिंग नहीं करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो टीम जहां भी होगी ये जरूर होगा, और इफ यू डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व दोस्त तो फिर वो दुश्मनी हो जाएगी, फिर वो तो काम ही नहीं करेंगे फिर तो, ठीक है ना। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ही आपको मालूम होना चाहिए कि ये डिसएग्रीमेंट आ गया, इसको हैंडल करना है और इसको ऐसे बहुत एमिकेबली हैंडल करना है, ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए, उसमें इंसाफ के साथ आप लोगों को हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो। निगोशिएट आप कैसे करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए। कब होगी इन्फ्लुएंसिंग? आप कमर पे हाथ रख के बोलेंगे कि जी मेरी उम्र ज्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं, कोई और चीज इन्फ्लुएंस करती है, आपका कैरेक्टर, आपकी नॉलेज लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। डेलीगेट, काम कैसे दिया जाता है, काम डेलीगेशन की पूरी साइंस है कि आप उसको सिखाते हैं, समझाते हैं और फिर उंगली पकड़ के चलाते हैं, फिर आप उसको काम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यू डेवलप द टीम एंड देन यू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेलीगेशन का ये नहीं कि बस कल से कि जी ये काम शुरू कर दो, तो यू डेवलप अ टीम, देन यू गिव देम प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस एंड देन यू दे आर ऑन देयर ओन, ठीक है ना। तो ये डेलीगेट है, तो इसके अंदर कोचिंग एंड मेंटरिंग का बहुत रोल है, ठीक है। तो ऐसा आदमी जिसने आपको सिखाया हो उसकी आप बात अच्छी तरह से मानते हैं, उसको आप अपना मेंटोर मानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला अगर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी प्रोजेक्ट मैनेजर में तो वो बहुत हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं होगी। वो लोग उसकी बस सुन रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तनख्वाह मिल रही होगी, लेकिन उसके साथ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो फिर आपको याद आएगा बातें, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब ये कोर्स एक दफा पढ़ाया था किसी और यूनिवर्सिटी में तो लोगों ने इतना एब्जॉर्ब नहीं किया। फिर दो स्टूडेंट जर्मनी गए, वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, सर वो स्लाइड दे दें, सारी बातें याद आ रही हैं। मैंने कहा जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम पढ़ते नहीं थे, अब जर्मनी जाके तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे तुम्हें सारी स्लाइड याद आ गई। बारह, तो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्या चीज़ है? तो उस रोल में जाएंगे ना जब आपके आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो आपको नजर आएगा कि ये सारी चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट क्या है कि जो वो प्रोसेसेस हैं, जो डोमेन है उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक तो वही है कि एस्टीमेट करो, रिसोर्स हायर करो और स्टार्ट डेट एंड एंड डेट करो, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिल्कुल अलग होगा, सिविल इंजीनियर का बिल्कुल अलग होगा। टेक्निक वही है, जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वन ऑफ माय कजन इज अ वेरी एक्सीलेंट प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो उसको अपना काम पता है, उसको उसकी अपनी एस्टीमेशन पता है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं, चीज़ें हैं, वरना आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या काम है, कब है। टूल्स एंड टेक्निक्स अपनी जगह, लेकिन उस डोमेन की नॉलेज, उस डोमेन की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाली चीज़ है कि प्रोफिशिएंसी इन प्रोजेक्ट कोर प्राइमरी टेक्नोलॉजी, और फिर उसके अलावा जो उसकी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडस्ट्री की बिजनेस नॉलेज, यूँ समझ लीजिए एग्जांपल कि मैं बैंकिंग को, यानी बैंक एंड इंडस्ट्री बैंकिंग को एक सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, या बीआई दे रहा हूँ, ठीक है, या डेटा एनालिटिक्स दे रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि बैंकिंग क्या है, क्या चीज़ देखेगी, क्या इनके प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। फिर मुझे जो सोल्यूशन देना है वो भी पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट की कोर टेक्नोलॉजी क्या है, फॉर एग्जांपल यू नो हडूप, फॉर एग्जांपल जो भी बिग डेटा की, या जो भी, वो पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी।